हैप्पी पीपल की ओर से आप सभी को विश्व परिवार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। परिवार सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा है जिसे सुनने मात्र से ही लगता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हर सुख दुख में खड़ा हमारा परिवार है। परिवार में बहुत ताकत है। परिवार एक ऐसी शक्ति है जो हमें हर परिस्थिति में एक रहना सिखाती है, बशर्ते हम परिवार को सही ढंग से चलाना सीख जाए। लेकिन अक्सर देखा गया है कि आज परिवार में लोग आपस में खुश नहीं हैं। घर के झगड़े कलह कलेश से बचने के लिए लोग घर से बाहर सुख शांति ढूंढ रहे हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज के मौके पर आज मुझे एक सीख याद आ गई, जिसे अगर आप भी सुन लें और अपने जीवन में उतार लें, तो आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके रिश्तों में कभी कोई आपस में झगड़ा या कड़वाहट ना हो। ऐसे ही एक बार सुख शांति की तलाश में एक गृहस्थ संत कबीर के घर उनसे अपनी समस्याओं का हल ढूंढने गया। संत कबीर अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे। गृहस्थ संत कबीर से बोले कि मेरे घर में मेरी किसी से नहीं बनती, झगड़ा ही झगड़ा होता है। मैं कुछ भी बोलूं घर वालों को उल्टा ही लगता है, उल्टा ही मुझे ही सुनाते हैं, मुझे ही बोलते हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं क्या करूँ। यह सुनकर संत कबीर ने कुछ जवाब नहीं दिया। गृहस्थ को ऐसा लगा जैसे संत कबीर ने उनकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया है, और उल्टा संत कबीर अपनी पत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं, भाग्यवान है, जरा इधर सुनना, लालटेन जला कर ले आना। गृहस्थ सोचता है, गर्मी की तेज धूप है, दोपहर का समय है, 12 बज रहे हैं, आंगन में बैठे हैं, फिर अपनी पत्नी को लालटेन जलाकर लाने को क्यों कह रहे हैं। संत कबीर के पास बैठे गृहस्थ बड़े आश्चर्य से उनकी बातें सुन रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि इस वक्त लालटेन की क्या जरूरत है, और संत कबीर से जो मैं पूछ रहा हूँ उसमें लालटेन कहाँ से आ गया। संत कबीर की पत्नी लालटेन लेकर आई तो संत कबीर कहते हैं कि जरा मिठाई भी लेकर आना। पत्नी आई और मिठाई की जगह नमकीन दे गई। तो गृहस्थ ने फिर सोचा कि दोनों पति पत्नी पागल हैं, ये दोपहर की कड़ी धूप में लालटेन मंगवाता है और पत्नी मिठाई के बदले नमकीन लेकर आती है। यह देखकर गृहस्थ बोला, आपकी इस उलझी हुई गृहस्थी को देखकर मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तो जा रहा हूँ। तो कबीर ने कहा कि आपके प्रश्न का जवाब मिला क्या। गृहस्थ बोला, कैसे मिलता, आप तो दिए नहीं, आप तो दिन की धूप में लालटेन मंगवा रहे हैं, आपकी पत्नी मिठाई की जगह नमकीन लेकर आ रही है। तो कबीर ने कहा, जीवन का ज्ञान यही तो है ना, परस्पर विश्वास। जब मैंने पत्नी को कहा कि तेज धूप में भी लालटेन जला कर ले आना, तो उसने यह प्रश्न नहीं पूछा कि दिन के दोपहर के तेज धूप में लालटेन क्यों चाहिए आपको। उसने मेरे पर विश्वास रखा कि शायद इनको लालटेन से कुछ काम होगा, इनको लालटेन की जरूरत होगी। और जब मैंने उससे कहा कि मिठाई लेकर आना, तो वो मिठाई की जगह नमकीन ले आई, तो मैंने भी कुछ अंदर से यह समझा कि शायद घर में मिठाई नहीं होगी, इसीलिए ये नमकीन लेकर आई है। मैंने उस पर विश्वास रखा। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा निरादर कर रही है, और उसने ये नहीं सोचा कि ये पागल जैसा प्रश्न क्यों कर रहा है। ये परस्पर आपसी विश्वास ही जीवन जीने की कला है। यही ज्ञान के महत्व को समझाता है और ज्ञानी बनकर रहना भी सिखाता है, साथ ही मिलजुल कर रहना भी सिखाता है। तो हेल्पिंग पीपल की ओर से इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।